हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उसके लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया है, एक कटोरी शुगर, मैंने ब्राउन शुगर लिया है, एक कटोरी देसी घी, थोड़े से बादाम और किशमिश। और अब हम इसको बनाएंगे। हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें अब हम सूजी डालेंगे। सूजी को हम पहले ऐसे ही भूनेंगे, थोड़ा रोस्ट करेंगे इसको जब तक ये खुशबू देने लगेगा। ऐसे डायरेक्ट भूनने से क्या होता है कि इसमें जो कोई थोड़ा सा पानी होता है वो सूख जाता है, और उसके बाद ये सूजी फूल जाती है, और जब हम हलवा बनाते हैं तो इसका दाना दाना अलग नज़र आता है। अब हम हलवा बनाएंगे, उसके लिए हमने फ्राई पैन दिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे, घी में हम पहले सबसे बादाम जो है उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़े से रोस्ट कर लेंगे ताकि वो खाने में टेस्टी लगेंगे और अच्छा फ्लेवर देंगे। हम इसको बस 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसमें किशमिश को भूनेंगे, क्योंकि उसको हम साथ इसलिए नहीं भूनते कि वो फूल के जल्दी जल जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये हमारे बादाम रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे, उसको हम बस थोड़ा सा ही करेंगे फ्राई, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि वो थोड़ी सी फूल जाए। अब हम इसमें सूजी को भून लेंगे, जो घी में हमने पहले अपना ये ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसी में हम अब सूजी को रोस्ट कर लेंगे जब तक ये खुशबू देगी। अब हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हमने 3 कटोरी पानी लिया है, और अब जब थोड़ा ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे और उसको हल्का हल्का हम हिलाएंगे। अब हम इसमें ना छोटी इलायची डाल देंगे ताकि हमारे हलवे में खुशबू आएगी, और ये पानी में उबलेगा तो उसके साथ ही इसका खुशबू फ्लेवर आ जाएगा, अदरवाइज़ हम इसको पीस के भी डाल सकते हैं। अब पानी हमारा गर्म हो गया, हमने इसमें चीनी मिक्स कर दी है, मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी शुगर ले सकते हो। अब हम तब तक हिलाएंगे जब तक ये चीनी मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारा ये चाशनी बराबर तैयार हो गई है, शुगर सारा इसमें मिक्स हो गया, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारी सूजी फ्राई हो गया, रोस्ट हो गई है और खुशबू दे रही है बहुत। अब हम इसमें धीरे धीरे करके जो पानी हमने चाशनी बनाई है उसको हम मिक्स करेंगे।
इसके साथ ही हमने जो रोस्ट किया है अपना ड्राई फ्रूट, इसको भी साथ ही हम डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि ये हमारी बराबर बन जाए। हमारा हलवा पक जाए पूरा बराबर। अब हमारा हलवा बिल्कुल बनने को तैयार है। हम ऐसे ही इसको हिलाते रहेंगे ताकि फिर इसमें कोई गिल्टी नहीं बनती और ये बराबर सारा तैयार हो जाता है। हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार है। बहुत खुशबू आ रही है, बहुत स्वादिष्ट बना ये हलवा। हमारे घरों में प्रसाद की तरह भी यूज़ होता है और स्वीट डिश की तरह भी यूज़ होता है। ऐसे ही इस तरीके से आप बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। एक एक दाना इसका अलग बनता है, सूजी खिल जाती है और बहुत अच्छी लगती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। आप इसी तरह से ट्राई कीजिए और इसको बना के अपने परिवार को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए। आप भी ऐसे ही घर में ट्राई कीजिए। आपको ये हमारी डिश कैसी लगी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और आप हमारा चैनल पंजाबी फूड ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सब वीडियोस, जी हाँ, सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।